जी वाइल्ड लाइफ जो नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और नॉन कल्टिवेट प्लांट्स होते हैं इनकी काफ़ी वैल्यूज़ होती हैं आप इनको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में भी ले सकते हैं इनको नेगेटिव एस्पेक्ट्स में भी ले सकते हैं बट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज वाइल्ड लाइफ एक्चुअली इज़ अ नेचर और नेचर इज ऑलवेज अ ब्यूटिफुल थिंग नेचर हमेशा से खूबसूरत लगती है नेचर की हर एक्टिविटी आपको खूबसूरत लगती है कुछ लोग वाइल्ड लाइफ को सिर्फ देखना ही उनको अच्छा लगता है इट्स अ सोर्स ऑफ प्लेयर फॉर देम बिकॉज हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में हर वक्त स्ट्रेस्ड कंडीशन में होते हैं तो नेचर को उसकी ओरिजिनल हालत में देखना उसकी नेचुरल स्टेट में देखना इज अ सॉर्ट ऑफ प्लेयर जो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस में से निकाल देता है समटाइम्स आपने एक एक्टिविटी हैक्टिक सीजन गुजारा हुआ है उसके बाद हम अपनी फैमिलीज को लेकर हिली एरियाज में चले जाते हैं हम अपनी फैमिलीज को लेकर वेरियस पार्क्स में चले जाते हैं उन पार्क से वी फील प्लेयर सो एक्चुअली दे आर द सोर्स ऑफ जॉय दे आर द सोर्स ऑफ वंडर एंड प्लेयर फॉर मैनी पीपल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप इसकी इसको रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर पे लें इसको रिक्रिएशनल इसके फंक्शंस को देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रेवेन्यू जनरेशन के लिए बर्ड्स वाचिंग अगेन दिस इज अ ग्रोइंग पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म वाइल्ड लाइफ गाइड्स अवेलेबल होते हैं वेरियस सफारी पार्क में वेरियस जूज में जो आपको वाइल्ड एनिमल्स को उनकी नेचुरल स्टेट में दिखाते हैं सो उन पार्क्स के लिए उन जूज एनिमल्स के लिए एक सेंस ऑफ अटैचमेंट क्रिएट होती है एनिमल्स के साथ फ़ोटोग्राफ खिंचवाना भी एक अच्छा शौक है और ये भी एक प्लेयर का जरिया बनता है क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स एक मेमोरी क्रिएट करते हैं तो जब हम इन फ़ोटोग्राफ्स को बहुत अरसों के बाद देखते हैं हमारी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसेस और टेंशनस रिलीव हो जाती हैं So, ये एक इसकी इंपॉर्टेंट एस्थेटिक वैल्यू है एग्जॉटिक गेम रेंचेस गेम रेंच या रेंचेस वो जगह होती हैं जिनको मवेशी गाह कहा जाता है उर्दू में रेंचेस एक्चुअली मवेशी गाहें होती हैं जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है इट्स एग्जॉटिक गेम रेंच तो यहां पर वो एनिमल्स जो नॉन नेटिव हैं जो वहां के एक्चुअली होते नहीं हैं जिनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है मुख्तलिफ जगहों से उनको पाला जा रहा है जब आप उन एनिमल्स को जो एक्चुअली वहाँ का पार्ट नहीं है उनको अपने करीब देखेंगे आपको एक सेंस ऑफ प्लेयर फील होगा सो अगेन ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिक्रिएशनल वैल्यू है जिसरा मैंने पहले जिक्र किया सफारी पार्क्स में जाना जूज में जाना एक एक्टिविटी एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर पर हम इस एक्ट को परफॉर्म करते हैं तो वहाँ जाकर हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में से निकल कर अपने आप को प्लेयर दे रहे हैं अपने आप को सुकून दे रहे हैं कई दफ़ा आपने देखा होगा आ, सफारी पार्क्स में या जूज में पी कॉक की एक्टिविटीज़ मोर अपने जब पर फैलाता है तो एक सेंस ऑफ प्लेयर फील होता है आपको खुशी का एहसास होता है आप उसके साथ फोटोग्रे फोटोग्राफ्स लेना पसंद करते हैं सिमिलरली हिली एरियाज में जाना जिस तरह अक्सर छुट्टियाँ गुजारने के लिए लोग हिली एरिया का का प्लान करते हैं वहाँ पर जो वाइल्ड फ्लोरा है वो आपको एक प्लेयर का बायस बनता है पाकिस्तान में आ, मरी एक बहुत इम्पोर्टेंट हिली एरिया है जो जहाँ पर काफ़ी वाइल्ड फाना और फ्लोरा एग्जिस्ट कर रहा है जी वाइल्ड लाइफ की पॉजिटिव वैल्यूज में एक और बड़ी इम्पोर्टेंट वैल्यू उसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस है या उसकी कमर्शियल वैल्यू है क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक रीन्यूएबल रिसोर्स है इसीलिए उसकी इकोनॉमिक वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू विद रेफरेंस टू ट्रेडिंग हम वाइल्ड एनिमल्स को उनकी पार्ट्स को फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया उसका ट्रेड करते हैं अब उनके पार्ट्स में लाइक like, अगर आप एलिफेंट्स uh, की बात कर रहे हैं तो हाथी दांत एक बड़ा मशहूर एलिमेंट है हाथी दांत एक बड़ा मशहूर पार्ट है जिसको आइवरी बोला जाता है इसी तरह कई वाइल्ड एनिमल्स के फर की ट्रेडिंग होती है वाइल्ड मीट की ट्रेडिंग होती है द वाइल्ड मीट इज कॉल्ड बुश मीट कई अभी भी ऐसे कंट्रीज एग्जिस्ट कर रही हैं जहां पर बुश मीट प्रेफर किया जाता है जस्ट एज ए डेलीकेसी आप बुश मीट को खा कर सिर्फ ये शो कर रहे हैं दैट uh, हमने इस एनिमल को हंट किया सो इट्स अ हाई प्राइस इन वाइल्ड एनिमल्स की इन वाइल्ड एनिमल्स के पार्ट्स की ट्रेडिंग एक कमर्शियली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और हाई प्राइस टूरिज्म फैसिनेशन विद द ब्यूटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स डिराइव टूरिज्म वर्ल्ड वाइड हमें वाइल्ड एनिमल्स को या वाइल्ड लाइफ को उसकी नेचुरल फॉर्म में देखना बहुत अच्छा लगता है आपने शायद कभी ऑब्जर्व किया हो कि अगर किसी सफारी पार्क में या किसी जू में कोई नया एनिमल आता है तो हमारा ये शौक होता है कि वी मस्ट गो देर एंड सी द एनिमल सो ये अगेन एक रेवेन्यू जनरेट करने का मेथड होता है कई जगहों पर सिर्फ एनिमल्स को इस घर से देखा जाता है या वाइल्ड एनिमल्स को इस पर्पस के लिए देखा जाता है कि उनके साथ फोटोग्राफ बनवाया जाए सो दैट दे गिव्स यू प्लेयर उसे उस पार्क की का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कमर्शियल फार्मिंग फार्मिंग आप उन एनिमल्स को ग्रो करवा रहे हैं आप उन एनिमल्स को रियर करवा रहे हैं और कई कंट्रीज हैं लाइक चाइना जिम्बाब्वे एंड थाईलैंड जहां पर उससे काफ़ी इकोनॉमिक गेन्स हासिल किए जा रहे हैं उनकी फार्मिंग क्यों करवाई जा रही है उनके प्रोडक्ट्स को हासिल करने के लिए जिस अभी हमने जिक्र किया कि वाइल्ड एनिमल के पार्ट्स हैं लाइक ट्रॉफी आप आइवरी को यूज़ कर रहे हैं आप फर को यूज़ कर रहे हैं आप उनके मीट को यूज़ कर रहे हैं सो इन एनिमल्स को आपने आ, एक कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं आप उनको खुद से ग्रो करवा रहे हैं ताकि उनके पार्ट्स को हासिल किया जा सके वाइल्ड लाइफ की पॉजिटिव वैल्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू उसकी गेम वैल्यू है एज द नेम इंडिकेट इट्स अ गेम वैल्यू दैट मीन्स यू आर प्लेइंग गेम विथ सर्टन वाइल्ड एनिमल्स सो अगर वाइल्ड एनिमल्स की आप बात करें उनमें कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हंटिंग के लिए अलाउ किया जाता है अदरवाइज एनिमल्स की शूटिंग और उनकी हंटिंग पे बैन लगा हुआ है मगर कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उन एनिमल्स की शूटिंग और उनकी हंटिंग इज अलाउड जब आप इस हंटिंग को या इस एक्टिविटी को अलाउ कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवेन्यू जनरेशन की तो जो इंस्ट्रूमेंटेशन उन एनिमल्स की हंटिंग के लिए उनकी शूटिंग के लिए यूज होनी है वो फैक्ट्रीज जो इनको बना रही हैं दे आर जनरेटिंग द रेवेन्यूज लाइक फिशिंग में जो चीजें यूज हो रही हैं एनिमल्स को हंट करने के लिए यू नीड सर्टन गन्स यू नीड सर्टन बुलेट्स वो बुलेट्स वो गन्स जो फैक्ट्रीज बना रही हैं वो अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं सिमिलरली अगर आप गवर्नमेंट लेवल की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक लाइसेंसेज इशू करने हैं वो लाइसेंसेज बेसिकली uh, उन एनिमल्स को हंट करने के लिए उन एनिमल्स को शूट करने के लिए दिए जाते हैं विद अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बुलेट्स एज वेल सो गवर्नमेंट उस लेवल के ऊपर अपने रेवेन्यू जनरेट कर रही है गवर्नमेंट कुछ ऐसे एरियाज को भी डिफाइन करवाती है कि आप इन एरिया में हंटिंग या शूटिंग परफॉर्म कर सकते हैं सो so, उन एरिया को लीज पे दिया जाता है सो अगेन इट्स अ रेवेन्यू जनरेशन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एट गवर्नमेंट लेवल क्योंकि हमने कहा देर आर सटन वाइल्ड एनिमल्स जिनको गेम एनिमल्स कहा जा रहा है सो so, हुबारा बस्टर्ड जिसको उर्दू में तलोर कहते हैं दिस इज वन ऑफ द गेम बर्ड ये एक चिकन साइज का बर्ड होता है जिसका मीट एक डेलीकेसी के तौर पर कंसिडर होता है इस बर्ड को शिकार करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप के काइट्स या ईगल्स होती हैं जिनको इसके पीछे छोड़ा जाता है ये ईगल्स इस एनिमल को पकड़ के लेके आते हैं और उसके बाद इस एनिमल के मीट को जस्ट फॉर डेलीकेसी यूज किया जा रहा है मारखोर जो एक तरह का गोट है इसकी हंटिंग की जाती है इसकी ट्रॉफी के लिए ट्रॉफी इज एक्चुअली इट्स हेड अलोंग विद इट्स हॉर्न् सो सिर्फ क्योंकि बाकी एनिमल तो शायद इतना खूबसूरत है नहीं मगर इसका हेड इज मोर ब्यूटिफुल जब यह अपने सींगों के साथ होता है जब आप ओवर हंटिंग कर रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ किसी अलार्मिंग सिचुएशन में चले जाएंगे वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट होने का चांस है इसीलिए एक्सेसिव गेमिंग को बैन किया जाता है पर्टिकुलरली अगर आप पंजाब में पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं तो हंटिंग इज नॉट अलाउड वो क्यों अलाउड नहीं है क्योंकि 1974 में वाइल्ड लाइफ एक्ट हैज़ बीन प्रेजेंटेड जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स परफॉर्म की गई हैं 1991 में जिसके बाद

है उसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस वाइल्ड लाइफ एक्चुअली एक नेचुरल गिफ्ट है जो हमें नेचुरल हेरिटेज के तौर पे मिला है सो so ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी है कि हम इसको कंजर्व करें और हम इनको प्रोपोगेट करें सो so दैट हमारी नेक्स्ट जनरेशन ताकि ट्रांसफर हो सकें वाइल्ड लाइफ की स्पिरिचुअली भी बहुत इंपॉर्टेंस है कई ऐसे मज़हब हैं जिनमें वाइल्ड एनिमल्स को बहुत सेक्रेट कंसिडर किया जाता है सो रिलीजन्स हैव ऑफन डिक्लेय सर्टन एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स इवन सिर्फ आप वाइल्ड एनिमल्स की बात नहीं कर रहे उनके प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं लाइक इफ किसी मजहब ने किसी बर्ड को सेक्रेट कंसिडर किया है तो उसके पार्ट्स को भी सेक्रेट कंसिडर किया जाएगा अगेन इट इज स्पिरिचुअली इम्पॉर्टेंट एज वेल कई मजाहब में ये समझा जाता है कि अगर हम इन एनिमल्स की पूजा नहीं करेंगे हमारे काम नहीं होंगे सो दे दीज एनिमल्स एक्चुअली कंसिडर टू बी देयर गॉड्स लाइक अगर आप नेटिव अमेरिकन की बात कर रहे हैं तो वो ईगल्स को हॉक्स को और उनके फैदर्स को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं ये उनकी कल्चरल वैल्यूज़ हैं कि इन एनिमल्स को कंजर्व किया जाए इनको प्रोपोगेट किया जाए ताकि वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ बसानी परफॉर्म कर सकें हिंदुइज्म में काओ इज कंसिडर टू बी अ सेक्रेड एनिमल इसीलिए शायद हिंदुइज्म में गाय को जिबा करना भी शायद हराम के मुतरतफ है मारखोर जो एक गोट है इतना खूबसूरत दिखने वाला एनिमल नहीं है मगर फिर भी इसको पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कंसिडर किया गया है so, सो एक कल्चरल इंपॉर्टेंस दी गई है इस एनिमल को सो दिस इज आर मॉरल ड्यूटी कि हम इन एनिमल्स को इन वाइल्ड एनिमल्स को प्रिजर्व करें इन वाइल्ड एनिमल्स को प्रोपोगेट करें और इनकी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ना होने दें ताकि यही कल्चरल वैल्यूज़ हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर हो सकें वाइल्ड लाइफ की पॉजिटिव वैल्यूज़ में एक और वैल्यू है उसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस उसकी इकोलॉजिकल वैल्यू इकोलॉजी जिसमें आप नेचर को पढ़ रहे हैं जिसमें आप सराउंडिंग्स को पढ़ रहे हैं जिसमें आप इन्वायरमेंट को पढ़ रहे हैं सो वाइल्ड लाइफ प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द अर्थ जिसने जमीन को एक बैलेंस में रखना है जिसमें जमीन के न्यूट्रिएंट्स का साइकिल मैनेज करना है हर स्पीशीज का अपना एक रोल होता है चाहे वो किसी भी ट्रॉफिक लेवल के ऊपर एग्जिस्ट कर रही हो हमारे पास लाइफ फॉर्म के तीन ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। हर एक ट्रॉफिक लेवल पर मौजूद ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और अर्थ के बैलेंस को न्यूट्रिय साइकिल को मेंटेन कर रहे हैं कुछ ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो स्केवेंजर्स के तौर पर एक्ट करते हैं स्केवेंजर्स क्या होते हैं जो डेड मटेरियल को खाते हैं ये सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स ही नहीं ये काम बर्ड्स भी परफॉर्म कर रहे हैं और उन बर्ड्स में काइट्स एंड वल्चर शामिल हैं इसी तरह ईगल्स भी उसमें आ जाते हैं वाइल्ड एनिमल्स में जो स्केवेंजर्स के तौर पर एक्ट कर रहे हैं दे आर जैकल्स एंड हाइनाज हाइना लगड़बगड़ को कहते हैं तो so इसका इन तमाम एक्टिविटीज का इस स्केवेंजिंग एक्टिविटी का फायदा क्या हो रहा है कि वो जो जानवर मर गए हैं उन मरे हुए एनिमल्स को एक्चुअली ये ईट करते हैं जिसकी वजह से जो उन उनके मीट में न्यूट्रिएंट्स चोक हो गए हैं वो तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल हो रहे सो so, इस इसकेवेंजिंग एक्टिविटी का एक्चुअली uh, तीन फायदे होते और वो तीन फायदों में सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है न्यूट्रिय रिसाइकलिंग वो तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन और हर वो न्यूट्रिएंट शामिल है जिससे एनिमल बॉडी बनी है वो तमाम की तमाम इन्वायरमेंट में वापस चली जाएगी सो दैट वी कैन यूटिलाइज दैम अगेन इसी एक्टिविटी का एक और इंपॉर्टेंट फायदा ह्यूमस फॉर्मेशन जब न्यूट्रिएंट्स एनवायरनमेंट के अंदर वापस जा रहे होते हैं रिसाइकल हो रहे होते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ एलिमेंट्स उस सॉयल में भी गिरेंगे जिसकी वजह से सॉयल की नेचुरल फर्टिलिटी में इजाफा होता है सो so, वो जो ब्लैक सॉयल बनती है दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमस एंड थर्डली द क्लीनिंग ऑफ द एन्वायरमेंट के वो तमाम का तमाम जगह वो तमाम की तमाम एरिया जहां वो एनिमल्स पड़े हुए थे अब वो साफ हो जाएगी और हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन हो जाएंगी सो so, ये तमाम की तमाम एक्टिविटी जो स्केमिंग एक्टिविटी है जो ये वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स परफॉर्म कर रहे हैं ये एक्चुअली तीन फायदे हमें देके जा रहे हैं न्यूट्रिय रीसाइकिलिंग ह्यूमस फॉर्मेशन एंड क्लीनिंग ऑफ द एन्वायरमेंट साइंटिफिक वैल्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ इज वन ऑफ द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दीज एनिमल्स वाइल्ड लाइफ को आप फंडामेंटल स्टडीज को परफॉर्म करने के लिए फंडामेंटल स्टडीज़ को एलेबोरेट करने के लिए भी यूज करते हैं उन फंडामेंटल स्टडीज में अनेटमी है फिजियोलॉजी है एकोलॉजी है और एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स है बिकॉज ह्यूमन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स परफॉर्म नहीं किए जाते सो फॉर दैट परपज हमें वाइल्ड एनिमल्स का ही सहारा लेना पड़ता है हम ऐसे एनिमल्स को सिलेक्ट करते हैं वाइल्ड एनिमल्स को जो कंपेरेबल हों विद द ह्यूमंस सो दैट कि हम उनकी अनेटमी को यानी उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करें उनकी फिजियोलॉजी को यानी उनकी फंक्शनिंग को स्टडी करें उनकी इकोलॉजी को उनके इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को स्टडी करें उनके एनवायरमेंटल रिलेशन को स्टडी करें और एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स को देखें यानी जो पहले ह्यूमंस थे और जो अब के ह्यूमंस हैं उनमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं लाइक like मैं अगर एक एग्जांपल कोट करूं ह्यूमंस जो प्री टाइम ह्यूमन है जो स्टार्ट का ह्यूमन है उसमें द डेंटल फार्मूला कंटेन्स फोर्टी टीथ बट नाउ वी हैव ओनली थर्टी टू सो हम ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए वाइल्ड एनिमल्स का सहारा लेते हैं और उन एनिमल्स को ज्यादा स्टडी किया जाएगा जो ह्यूमंस के साथ कंपेरेबल है इसके अलावा अगर आप इसकी साइंटिफिक वैल्यू की बात करें मेडिकली भी या मेडिसिनली भी ये वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट है वाइल्ड फ्लोरा में कई इस तरह के प्लांट्स इंक्लूडेड हैं जो हमें कई एक्सट्रैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल नीरियम या जिसको आप आम जबान में कनेर के नाम से जानते हैं इसके वेरियस पार्ट्स के एक्सट्रैक्ट्स निकाले गए हैं जिनमें लीव्स का एक्सट्रैक्ट भी शामिल है जिनमें रूट का एक्सट्रैक्ट भी शामिल है स्टेम का एक्सट्रैक्ट भी शामिल है सो दिस एनविजल इज वन ऑफ द लीव्स एक्सट्रैक्ट जिसकी एंटी कैंसरस एक्टिविटीज रिपोर्टेड है सिंकोना जिसके एक्सट्रैक्ट का नाम है कनीन एंड वी ऑल आर अवेयर दैट ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है मलेरिया जो मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है इसका सबसे पहले इलाज स्पेसिफिक दवाई से परफॉर्म किया गया है जो प्लांट का एक्स्ट्रैक्ट है जो एक वाइल्ड प्लांट था मस्क डियर इस डियर से निकलने वाला एक्स्ट्रैक्ट उसकी परफ्यूमरी में बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि हम साइंटिफिक इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं सो तो इस हवाले से अगर हम बात करें इसके मल्टीपल इफेक्ट्स रिपोर्ट करवाए गए हैं जिनमें इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट मायोकार्डियल फंक्शंस है, यानी ये हमारी हार्ट के बीट्स को नॉर्मल करता है अगर किसी के हार्ट बीट बीट्स वीक चल रहे हैं थोड़े से स्लो हैं तो ये कार्डियोटोनिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है जैसे मैंने पहले कहा के वाइल्ड एनिमल्स एज एन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स बिकॉज हम ह्यूम्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हमें वो एनिमल्स को लेना पड़ता है जो ह्यूमन्स के साथ कंपेरेबल हैं और उन एनिमल्स में मंकीज शामिल हैं रेबिट्स हैं रैट्स हैं माइस हैं गिनी पिग्स हैं ये सारे एनिमल्स को के ऊपर ट्रायल्स परफॉर्म किए जाते हैं चाहे वो किसी मेडिसिन का ट्रायल है चाहे वो कोई एक्सपेरिमेंटल ट्रायल है सो so दैट के हम उसके बाद वो तमाम एप्लीकेशन ह्यूमंस पर अप्लाई कर सके।